जिया ने जो है अपनी खुंदक की वजह से जेल में डाला है, या आपके अकॉर्डिंगली मनीषा को जो जेल की सजा मिली है वो भी जिया द्वारा, वो सही सजा है बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। क्योंकि फुकरा इंसान को तो ये चीज पसंद नहीं आई, और फुकरा इंसान जो पॉइंट बातें कर रही है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि फुकरा इंसान का कहना ये है कि भाई मनीषा तूने तो ज्यादा रूल तोड़े नहीं, यहां पर अगर वो सही डिसीजन लेती, यहां पर सही और गलत का था, ये एक परीक्षा थी, ये एक टेस्ट था जहां पर इसने जो है काफी ज्यादा गलत किया, अगर ये सही डिसीजन लेती ना मैं खुद इसको सल्यूट करता, पर इसने सही डिसीजन नहीं लिया। तूने दो बार तो सोई होगी, तेरी वजह से दो बार कुकड़ू बजाओगा, तेरे से ज्यादा तो रूल्स मैंने ब्रेक किए हैं, और सबसे ज्यादा 18 दिन अब तक हो गए हैं, 18 दिन में जो है सबसे ज्यादा रूल ब्रेक जो है वो साइरस सर ने किए हैं, साइरस ने किए हैं, पर हम लोगों को सजा भी मिली है पर साइरस को कभी सजा नहीं मिली है। अगर वैसे तो मैं अगर चाहूं तो मैं भी साइरस सर को जेल में नहीं डालना चाहता हूं, अगर मैं पर्सनल अगर मैं देखूं, पर अगर सच और झूठ की और ये बात आ जाती है कि भाई रूल्स किसने तोड़े हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंगली मैं जाता, साइरस ने ही तोड़े हैं और इसने जो भी किया अपनी पर्सनल ग्रजेस की वजह से तुझे अंदर डाला है। हालांकि जो जिया है वो हाथ धोके मनीषा के पीछे पड़ गई है, और काफी सारे लोग एक्चुअली भी कमेंट बॉक्स में ये बात बोल रहे हैं मनीषा का अच्छा हुआ, उसको निकाल देना चाहिए, वो दोगली है, वो ये है, वो है। भाई उसने अभी तक ऐसा क्या कर दिया जो कि आपके दिल में इतनी ज्यादा कड़वाहट है मनीषा के लिए, बिकॉज मनीषा ने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है मुझे नहीं लगता। और जिया के बारे में जो मैं बोलती हूँ, भाई जिया सामने सामने करती, मैं अकेली नहीं हूं, जिया को एक्चुअली में लोग काफी ज्यादा गालियां दे रहे हैं, जाके सोशल मीडिया पर देखो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।